कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी 100 डेज डिलीवर्ड सीरीज का 21st डे है और आज भी मैं आपको बहुत बहुत यूजफुल 10 इंग्लिश वर्ड्स बताने वाली हूं। आपने इस तरीके का सेंटेंस लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इट्स लाइकली टू रेन। तो लाइकली क्या होता है, कहाँ यूज होता है, वो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। या आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू इन माई प्रॉब्लम। तो इन्वॉल्व क्या होता है और कहाँ यूज होता है। इसके अलावा धार्मिक को हम क्या बोलते हैं या अंधविश्वासी को हम क्या बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाले हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज के 10 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के 10 वर्ड्स कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 100 डेज डेली वर्ड सीरीज के 21st डे का पहला वर्ड है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, मजहबी या धर्मात्मा, यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म में विश्वास रखता हो उसे हम रिलीजियस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन हु गोज टू चर्च एवरी संडे। ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन एंड गोज टू चर्च एवरी संडे। इसका मतलब है वो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है जो हर रविवार को चर्च जाता है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, हर मदर इज़ अ वेरी रिलीजियस वूमन, यानी उसकी माँ एक बहुत धार्मिक महिला है। या फिर आई एम अ रिलीजियस पर्सन, मैं बहुत धार्मिक हूँ, इस तरीके से रिलीजियस यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी या वहमी। सुपरस्टिशियस और रिलीजियस में डिफरेंस होता है। रिलीजियस वो होता है जो धर्म में माने, जबकि सुपरस्टिशियस वो होता है जो धर्म में अंधभक्ति करे या अंधविश्वास रखे, यानी ऐसी चीज़ों को भी माने जो असल में सच नहीं होती, उन्हें हम अंधविश्वासी या सुपरस्टिशियस बोलते हैं। सुपरस्टिशियस का एग्जाम्पल देखिए, आई एम सुपरस्टिशियस अबाउट द नंबर 13। इसका मतलब मैं 13 नंबर को लेके, यानी 13 नंबर को लेके अंधविश्वासी हूँ। या नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐसा बोल सकते हैं, शी इज़ अ सुपरस्टिशियस वूमन, यानी वो अंधविश्वासी महिला है। या शी इज़ सुपरस्टिशियस अबाउट कटिंग द नेल्स एट नाइट, वो रात को नेल्स या नाखून काटने को लेके अंधविश्वासी है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा इंडीड। इंडीड भी बहुत बोलचाल वाला इंग्लिश वर्ड है जो बहुत यूज़ होता है। इंडीड का मतलब होता है सच में, वाकई या निसंदेह या सचमुच, यानी जब आप अपनी बात को जोर दे के कहें कि हाँ बिल्कुल सच में ऐसा है, तब आप इंडीड यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, आई वॉज इंडीड वेरी ग्लैड टू हियर द न्यूज़। इसका मतलब मैं वास्तव में खबर सुनकर खुश हुआ, यानी सचमुच, इंडीड वेरी ग्लैड, सच में बहुत खुश हुआ, इस तरीके से इंडीड यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, It was indeed a remarkable day, यानी सच में वो एक यादगार या अद्भुत दिन था। या आप ऐसा बोल सकते हैं, इट्स इंडीड अनफॉर्चुनेट, यानी सचमुच ये दुर्भाग्यशाली है। इंडीड का मतलब होता है सचमुच या वाकई बोलने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का लाइकली। लाइकली का मतलब होता है संभावित है या होने योग्य, यानी हो सकता है या संभावना होना। जब किसी बात को लेके कुछ संभावना हो, आप इस तरीके का बोलना चाहें कोई सेंटेंस, तब आप लाइकली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल लाइकली बी एट होम ऑल डे, यानी संभावित है, यानी ऐसा हो सकता है कि मैं पूरे दिन घर पर रहूँगा। या नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ लाइकली टू रेन, यानी बारिश होने की संभावना है। यानी जब आप किसी बात को लेकर श्योर नहीं हैं और संभावना है ऐसा बोलना चाहें, तब आप लाइकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का सडनली। सडनली बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग आई थिंक आपको पता होगा। सडनली मतलब होता है अचानक, एकाएक या अकस्मात, यानी जब ऐसा कुछ हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, अचानक हो जाए, तब आप सडनली वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्ड टू ज़ीरो। इसका मतलब तापमान अचानक शून्य हो गया। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, आई सडनली रियलाइज्ड दैट समवन इज़ फॉलोइंग मी, यानी मैंने अचानक रियलाइज़ किया, यानी मुझे अचानक आभास हुआ कि समवन इज़ फॉलोइंग मी, कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो इस तरीके से सडनली यूज़ होता है। बोलचाल में तो यूज़ होता ही है कि सडनली मेरे घर पे गेस्ट आ गए, या सडनली मुझे मार्केट जाना पड़ गया, तो इस तरीके से सडनली यूज़ होता है।
नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता या नैतिक शिक्षा क्या होती है? जब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो, अच्छे बुरे की समझ होने को हम नैतिकता या नैतिक ज्ञान बोलते हैं। मॉरल का नेक्स्ट मीनिंग होता है सीख या शिक्षा। और मॉरल का थर्ड मीनिंग होता है सदाचरण यानी अच्छा आचरण। मॉरल का एग्जाम्पल देखिए, ही टर्न्स एवरी सब्जेक्ट इंटू अ मॉरल डिस्कशन। इसका मतलब वो हर विषय को एक नैतिक चर्चा में बदल देता है, यानी हर विषय पर वो अच्छा बुरा बताने लगता है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, सिंपली बोलते ही हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी स्टोरी कहानी की जो शिक्षा है वो ये है। कोई भी स्टोरी बोलने के बाद हम एंड में बोलते हैं ना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, यानी इस कहानी की शिक्षा ये है कि। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि वो बहुत ऊंचे नैतिक उसूलों वाले व्यक्ति हैं। इस तरीके से मॉरल अलग अलग तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब होता है तय करना या पक्का कर लेना या ठान लेना या निर्धारित करना। ये एज अ वर्ब यूज होता है, जहाँ पे वर्ब मतलब जहाँ पे कोई क्रिया हो रही हो। तो डिटरमिन होता है तय करना या निर्धारित करना या पक्का कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड डिटरमिन वॉट इज राइट फॉर यू। इसका मतलब तुम्हें ये निर्धारित करना चाहिए, यू शुड डिटरमिन, आपको ये तय करना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, वॉट इज राइट फॉर यू। या डिटरमिन के ऊपर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, द एग्जाम रिजल्ट विल डिटरमिन योर करियर, या द एग्जाम रिजल्ट विल डिटरमिन योर फ्यूचर, यानी एग्जाम रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा या निर्धारित करेगा। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम डिटरमिन टू पास द एग्जाम, यानी एग्जाम को पास करने को लेके मैंने पक्का इरादा कर लिया है। तो डिटरमिन एक बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटरमिन से ही बना डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा या प्रतिज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज फुल ऑफ डिटर्मिनेशन टू अचीव हर गोल्स। इसका मतलब वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प से भरी हुई है, यानी उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो अपने लक्ष्यों को या अपने गोल्स को पाकर रहेगी। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन, कि मैं उसके दृढ़ संकल्प की तारीफ करता हूँ। दृढ़ संकल्प यानी कि डिसाइड कर लेना कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ये भी एक अच्छा इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा इफेक्टिव। इफेक्टिव इज अगेन अ वेरी यूजफुल वर्ड। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावशाली या असरदार या कारगर। एग्जाम्पल देखिए, टेलीविजन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब टेलीविजन संचार का एक प्रभावी साधन है, यानी टेलीविजन के थ्रू बहुत सही तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, लोगों को अपनी बात बताई जा सकती है, बहुत प्रभावशाली माध्यम है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिस मेथड इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, यानी ये तरीका अब ज़्यादा असरदार नहीं है। या फिर बोलचाल में आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव है, या उसका बात करने का तरीका बहुत इफेक्टिव है, यानी उसके बात करने का तरीका बहुत प्रभावशाली है। तो इस तरीके से इफेक्टिव यूज़ होता है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का हमारा इन्वॉल्व। इन्वॉल्व भी बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है शामिल करना या संयुक्त करना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। इसका मतलब अपनी परेशानी में अन्य लोगों को शामिल मत करो। या आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू इन माई प्रॉब्लम, मैं तुमको अपनी परेशानी में शामिल नहीं करना चाहता। या डोंट इन्वॉल्व मी इन योर प्रॉब्लम, अपनी परेशानी में मुझे मत शामिल करो। तो इस तरीके से इन्वॉल्व यूज़ होता है, बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फटाफट से सारे वर्ड्स हम एक ही स्क्रीन पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें। तो पहला वर्ड है आज का हमारा रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, मजहबी या धर्मात्मा। नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी या वहमी। नेक्स्ट वर्ड है इंडीड। इंडीड का मतलब है सच में, वाकई, निसंदेह या सचमुच। नेक्स्ट वर्ड है लाइकली। लाइकली का मतलब होता है संभावित या होने योग्य या संभावना होना। फिफ्थ वर्ड है सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक, एकाएक या अकस्मात। नेक्स्ट वर्ड है मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, सीख या सदाचरण।
नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब होता है पक्का कर लेना या निर्धारित कर लेना। एट वर्ड है आज का हमारा डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावशाली, असरदार या कारगर। और टेंथ वर्ड है आज का हमारा इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना या संयुक्त करना। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। सो ये थे 10 वर्ड्स। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। जो मैंने वर्ड्स आपको बताए वो जानकर आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज ज़्यादातर लोग रिलीजियस और सुपरस्टिशियस में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है या अंधविश्वासी को क्या बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, इसमें से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो डेफिनेटली मेरी हेल्प, हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर चैनल की हेल्प होती है, हमारी IC फैमिली बड़ी होती है और जिनके पास ये वीडियो पहुंचता है उनकी हेल्प तो होती ही है। सो डू शेयर द वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा या क्या नया सीखने के लिए मिला वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और हो सके तो उसके ऊपर एक सेंटेंस जरूर बनाइएगा। और अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इस सीरीज के आगे के वीडियोज आप देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए जब भी इस चैनल पर कोई इस सीरीज का या कोई भी वीडियो अपलोड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल पर अपलोड होने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। सो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑल्सो, ऑलराइट। और अगर आप इस सीरीज के पहले के वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में 100 डेज डिलीवर्ड सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको सारे वीडियोज डे 1 से मिल जाएंगे, तो वहां पर भी वो आप सारे वीडियोज देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.